इलेक्टोरल बॉन्ड से किस पार्टी को कितना चंदा मिला है, इसका डेटा 6 मार्च तक हमें दीजिए। इसका डेटा काफ़ी ज़्यादा है, इसमें बहुत टाइम लगेगा। कितना टाइम चाहिए? 4 महीने का। हम 30 जून तक आपको डेटा दे देंगे। ये बातचीत सुप्रीम कोर्ट और देश के सबसे बड़े बैंक SBI के बीच की है। देश की जनता को कैसे धोखे में रखा जा रहा है, इसका उदाहरण देखिए। 15 फरवरी को देश की शीर्ष अदालत ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया और SBI से कहा कि उसे इलेक्टोरल बॉन्ड से मिली फंडिंग का पूरा हिसाब दे। अब SBI ने सोचा कि टाइम से हिसाब दे देंगे तो उनके आका BJP की पोल खुल जाएगी, तो उसने दिमाग लगाया और SC से 4 महीने यानी 30 जून का टाइम मांग लिया। आप समझ जाइए कि 4 महीने में देश में लोकसभा चुनाव हो जाएंगे और नई सरकार बन जाएगी। उससे पहले ही BJP के काले कारनामे छिपाने के लिए बैंक ने सुप्रीम कोर्ट से टाइम मांग लिया। सब सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। ये PM नरेंद्र मोदी के चंदे के धंधे को छिपाने की नई चाल है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी BJP का ये धंधा बंद करवा दिया है, इसलिए वो चाहते हैं कि इस धंधे से उन्होंने जितना भी भ्रष्टाचार किया है वो उजागर ना हो जाए, कहीं जनता को पता ना चल जाए इस भ्रष्टाचार का। तब तो चुनाव में उनकी हार निश्चित है, इसलिए वो कैसे भी करके इलेक्टोरल बॉन्ड के खरीदारों और उन्हें भुनाने वालों की जानकारी छिपाने में लगे हैं। SBI का इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा शेयर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक की मोहलत मांगना दिखाता है कि मोदी सरकार चुनाव तक इसकी जानकारी सामने नहीं आने देना चाहती। SBI कह रहा है कि हमें डेटा इकट्ठा करने में समय लग रहा है। डिजिटल इंडिया के इस दौर में देश का सबसे बड़े बैंक के पास डेटा ऑनलाइन नहीं है। यही मोदी सरकार की चाल है, जिसमें उसने SBI को अपने साथ मिला लिया है। अप्रैल में चुनाव है, मोदी सरकार चाहती है कि चुनाव में विपक्ष इलेक्टोरल बॉन्ड से BJP की लूट को चुनावी मुद्दा न बना ले, उसकी सच्चाई जनता के सामने न आ जाए। तभी SBI 4 महीने की मोहलत मांग रहा है, यानी 4 महीने में चुनाव निपट जाएंगे और PM मोदी का भ्रष्टाचार जनता के सामने नहीं आ पाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। BJP ने 2019 के चुनावों में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 2,555 करोड़ रुपए जुटाए थे। ADR के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 55% यानी 6,565 करोड़ रुपए का चंदा अकेले BJP को मिला है। ये सब BJP के काले कारनामों की क्रोनोलॉजी है।